जय हिंद दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 24 बताना है, लेकिन उससे पहले कुछ बोल देना है कि 24 नंबर क्वेश्चन तो आपको बाद में समझ में आएगा। पहले छोटा सा एक थ्योरम कह सकते हैं, थ्योरम के हिसाब से कि कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो एक रूल है जो कि आज से पहले आप नहीं देखे होंगे, या फिर कहिए कि आईएससी से पहले आपको मिलता ही नहीं, वह स्टार्टिंग ही होता है 11 से। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, बहुत हल्का है, लेकिन होता है कि क्या बता रहे, क्या चल रहा है, ये क्या हो गया, हम तो छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे, समझ में नहीं आ रहा। देखो बाबू, 10 मिनट तो ध्यान से देखना होगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे नहीं बता रहे। 10 मिनट ज़्यादा बोल दिए, 5 मिनट काफ़ी होता है। 5 मिनट में आपको समझ में आने लगेगा कि हम बताने वाले क्या हैं, और इसलिए हम पहले ही बोल दिए कि आज जो रूल अप्लाई करेंगे उसका नाम आप ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हो, एकदम पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमको बोलने में एक पैसा डर या शर्म नहीं लग रहा, आप ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हो लाइफ में कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। इससे पहले अगर आप पहले आईएससी पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, पढ़े हों तो सुने होंगे, लेकिन टेंथ के बाद जो आईएससी में आता है वो त्रिकोणमिति और एक एपी, यहीं पर दो जगह नामे सुनता है, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। होता क्या है पहले ये जान लीजिए आप कि ये है क्या आखिर कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। एक मिनट देखिए, जैसे मान लो कि हम इधर दे दिए 1/2 और उधर लिख दिए कि नहीं नहीं हम 2/4 लिखेंगे, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है। मतलब दो फ्रैक्शन उठाना है और इस तरह से उठाना है कि वो दोनों फ्रैक्शन देखे में भले ही अलग अलग लगे लेकिन दोनों रहे एक ही चीज़, दोनों का मान हो एक ही जैसा। तो भले दोनों एक देखने में अलग अलग लग रहा हो लेकिन रियली में दोनों एक है, काट दीजिए सर, तो हूबहू एक जैसा हो जाएगा। हम नहीं काटेंगे, हम छोड़ देंगे। अब देखो करेंगे क्या, इसके बाद आपके पास चार रास्ता है। कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो में रूल कहता है कि अंश को ऊपर भी लिखिए, अंश को नीचे भी लिखिए, और हर जो है उसको जोड़ दीजिए और हर को घटा दीजिए। यहाँ भी वही बात है, अंश को ऊपर भी लिखिए, अंश को नीचे भी लिखिए, हर जोड़ दीजिए, हर घटा दीजिए, और देखिए दोनों तरफ बराबर होगा। अभी भी ये 3 हो गया, अब बटा में -1, 3/-1, इधर समझो 6 हो गया बटा -2, अभी भी दोनों बराबर है, 3/-1 ये भी कटेगा, वही होगा। नहीं हम इसे नहीं अच्छा लग रहा, हम इसे लिखते हैं, अंश को ऊपर भी लिखते हैं, अंश को नीचे भी लिखते हैं, यहाँ पे वही बात, अंश को ऊपर लिखते हैं, अंश को नीचे लिखते हैं, और हर ऊपर जोड़ दिए, हर ऊपर हम घटा देते सर, और हर को नीचे जोड़ देते, यहाँ भी वही काम करते, हर को ऊपर घटा देते सर, हर को नीचे जोड़ देते, तो -1/3 उधर, -2/6, अरे तब भी बराबर है। नहीं सर हम इसे करते, हर को फिक्स कर देते, 2 ऊपर लिखते, 2 नीचे लिखते, इधर भी हर को फिक्स करते, 4 ऊपर लिखते, 4 नीचे लिखते, अब अंश को जोड़ देते, अंश को घटा देते, वहाँ भी अंश को जोड़ देते, अंश को घटाते, क्या फर्क पड़ता है, 3/1, इधर देखो तो 6/2, यहू तो कट के वही हो गया 3/1। यानी कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या है कि अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है तब, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो आपसे कहता है कि अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है तो करना आपको ये है कि दोनों ही फ्रैक्शन में अंश को ऊपर तथा नीचे लिख लेना है और क्रमशः हर को जोड़ देना है, घटा देना है, या तो ऊपर जोड़ दीजिए तो नीचे घटाना, या ऊपर घटाना है तो नीचे जोड़ना है। आज जो काम आप एक तरफ करोगे वही काम दूसरे तरफ करना। अगर दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, दो भिन्न आपस में बराबर है, तो एक भिन्न को, एक भिन्न के आप हर को ही फिक्स कर लीजिए, हर को ऊपर चाहे नीचे लिख दीजिए, और फिर अंश को जोड़ दीजिए, अंश को घटा दीजिए। और जो काम आप लेफ्ट साइड में करोगे वही काम राइट साइड में करना है, मतलब दोनों तरफ काम एक जैसा होना चाहिए, यही कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो कहता। तो कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल एक ही है लेकिन हम उसको चार तरह से लिख सकते, उच्चारों में से हमको कैसे पता चलेगा कि हम कौन से स्टेप्स या कौन से तरीके का इस्तेमाल करें, तो वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में। ऐसे बोलने से है, ऐसे पता चले कि पूरा एकदम भूख रहे हैं एक घंटा से, ये वो जो कुछ नहीं समझ में आएगा बाबू, कुछ नहीं, जब तक हम हिसाब नहीं लिखेंगे तब तक नहीं समझ में, एकदम सीरियसली बताते हैं, इसमें कोई हंस के रिप्रेजेंट करने वाली बात नहीं है, कि रियली बात है कि वो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक
आप हिसाब नहीं देखोगे, इसे बोलने से कोई फायदा नहीं। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कि जो है जो क्वेश्चन में पता चलेगा। थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए एक बार देख लेते हैं ना, क्लियर? हाँ सही है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 24 में देखोगे तो इसमें लिख लिया है, यदि m tan थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, तो साबित करें कि cos 2 थीटा बराबर m प्लस n, पता नहीं अब दिखेगा कि नहीं, बटा में 2 into m माइनस n। ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम उसको नीचे लिख देंगे, क्योंकि मेन तो वही है जिसको साबित करना है, वो तो कम से कम दिखाई देना चाहिए। चलो दिख तो रहा। अब कंपोनेंटो एंड डिवाइड एंडो रूल बाल में अब मतलब बाद में अप्लाई कीजिएगा, पहले जो भी साबित करना है इसको थोड़ा सा आप अपने ध्यान से निकालिए, अभी इस पर फोकस नहीं करना है। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हाँ भाई एम एन जैसन कुछ है, तो एम और एन को एक तरफ करना है। क्यों? अरे फ्रैक्शन में बदलना है। तभी आपको कैसे पता चला सर कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगेगा? आप अंतर्यामी हैं या आप भगवान हैं? नहीं यार, हम भी तुम्हारे तरह से आम इंसान हैं, हम भी आप ही तरह से एक इंसान हैं। तो पता किसे चल गया आपको? क्योंकि एम ऊपर भी लिख ले हैं, एम नीचे भी लिख ले हैं, और एन को एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, इसका मतलब है कि सेम चीज़ वह ऊपर नीचे लिख ले, तो कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो लगा है। और देखो अगर एक हिसाब में नहीं समझ में आया तो अगला बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर m अब बटा n, अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि n कहाँ से आया आखिर? m तो हम समझ गए, n किधर से लाए? इधर वाला जो n था उसको, और इधर रहने दिए tan थीटा प्लस 120, अब बटा में इसको लिख दिए tan थीटा माइनस 30। अब एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, m बटा n, और इस tan को हम लोग लिख देते हैं sin थीटा प्लस 120, अब बटा में cos थीटा प्लस 120, और ये जो tan है ना इसको लिखते हैं sin थीटा माइनस 30, और जो बटा में लिखेंगे ना cos इसको ऊपर लिख देते हैं cos थीटा माइनस 30। अब अप्लाई करना होगा, अब यहाँ पे यूज करेंगे बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का इस्तेमाल करेंगे, करते हैं तो ऊपर नीचे किसको फिक्स करना है? एम को। देखो ना वहाँ पे लिख ले, अंश को आप फिक्स कर दीजिए ऊपर भी या नीचे भी, तो एम को हम लोग ऊपर भी लिखें और एम को नीचे भी लिखें। अभी जो n है ऊपर जोड़ देना है, देखो n जोड़ देना नीचे घटा देना है, तो n को जोड़ देते हैं और n को घटा देते हैं, तो सेम प्रोसेस इधर भी करना है, क्योंकि हम कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो में बोल दिए थे कि जो आप एक तरफ फ्रैक्शन में अप्लाई करोगे, जो भी रूल अप्लाई करोगे सेम रूल दूसरे तरफ भी यूज करना होगा। अब वही वाला अप्लाई हम दूसरे तरफ करते हैं, तो इसको पहले फिक्स कर लीजिए, अंश को साइन थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30 ऊपर भी लिख लिए, और यही सेम चीज यही वाला नीचे भी लिख लेंगे, साइन थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30, मतलब जो ऊपर वाला है इसको ऊपर तो रहने दिए और नीचे भी लिख दिए। अब हर को क्या किए थे? ऊपर जोड़े नीचे घटाए थे, यहाँ भी वही बात है कि हर को ऊपर जोड़ेंगे कॉस थीटा प्लस 120 इंटू साइन थीटा माइनस 30, और नीचे घटाएंगे कॉस थीटा प्लस 120 इंटू साइन थीटा माइनस 30। इधर जो भी है जैसे भी है एम प्लस एन अब बटा में एम माइनस एन, वैसे ही छोड़ देना है, उस तरफ देखना कि साइन ए इंटू कॉस बी
प्लस कॉस ए, कि जो इधर है वही उधर है, जो देखो साइन के साथ है उधर कॉस के साथ है, जो इधर कॉस के साथ उधर साइन के, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ए माने थीटा प्लस 120 प्लस बी माने थीटा माइनस 30 बटा, नीचे देखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, इंटू जो इसके कॉस के साथ है वही उधर साइन के साथ है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए मतलब थीटा प्लस 120 माइनस बी माने ये वाला थीटा, और ये माइनस के अंदर गया माइनस तो प्लस में हो जाएगा 30, यहाँ तो क्या थीटा से थीटा कैंसिल, इधर नहीं कटेगा तो इधर एम प्लस एन रहने देते हैं बटा में एम प्लस सॉरी माइनस एन रहने देते हैं, यहाँ समझो साइन, देखो 120 में से अगर 30 घट भी गया तो 90 प्लस में 2 थीटा, क्योंकि थीटा और थीटा है, अब बटा में साइन 120 और 30 दोनों को जोड़ दीजिए तो 150 डिग्री, लगभग प्रूफ हो ही गया है, बस एक दो लाइन लिखना है नीचे, ठीक है साफ है लिखा जाएगा, एक दो लाइन लिखना है तो उसके लिए एम प्लस एन अट जाएगा एक दो लाइन, अब बटा में एम माइनस एन, इधर तो साइन 90 प्लस थीटा तो साइन 90 प्लस थीटा बदला जाता है कॉस थीटा में, 2 थीटा तो कॉस 2 थीटा, और साइन 150 डिग्री के मान निकालना पड़ेगा, रहा बात कि हमको नहीं आता है तो नए आता है तो हम यहाँ सिखा देते हैं और क्या कर सकते हैं, साइन 150 डिग्री यहाँ बता देते हैं, साइन 150 को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, और साइन 90 बदला जाता है कॉस 60 में, और कॉस 60 का मान 1/2, और रहा बात कि आप साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री मतलब 90 से ज़्यादा 180 से कम सेकेंड, और सेकेंड तो साइन के घर है इसलिए जो भी लिखोगे प्लस में 1/2, अब क्या करें, कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना है, प्रूफ कैसे होगा, देखो जो 1/2 इधर बटा में है ना, इधर मतलब यहाँ लिख देते हैं स्पेशल मार्कर, देखिए जो 1/2 यहाँ बटा में, इधर क्या करेंगे यहाँ समझो, कॉस 2 थीटा रहने देंगे, इधर एम प्लस एन अब बटा में एम माइनस एन इतना लिख देते हैं, ठीक है, और जो 1/2 बटा में था इस तरफ आके गुना हो जाएगा 1/2, तो पूरा मिला जुला के अगर सही से लिखोगे तो एम प्लस एन अब बटा में एम माइनस एन और साथ साथ 2 लिख दो, 2 क्योंकि बटा में 2 है, बराबर में कॉस 2 थीटा, आपको प्रूफ क्या करना था, यही तो साबित करना था कि कॉस 2 थीटा बराबर एम प्लस एन बटा में एम माइनस एन, इतना ही प्रूफ करना था, तो देखो प्रूफ तो हो गया, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है तो हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 24 नंबर में नहीं समझ में आया 25 में देखेंगे, 25 में नहीं समझ में आया 26 में देखेंगे, 26 में नहीं समझ आया किसी और वक्त देखेंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, दोबारा इस वीडियो को देखिए, कहीं ना कहीं समझ में आएगा, और अगर नहीं आता है तो इतना दिमाग पे प्रेशर भी नहीं लेना है, बना लीजिए बन गया ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा आपको नहीं मिलेगा, कोई भी किताब उठा लो, किसी भी किताब का हम यहाँ पे नाम नहीं ले रहे, कोई भी किताब उठाइए, खास करके एनसीईआरटी के अगर नाम ले तो एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन तो शायद है भी नहीं, इसमें तो है भी एनसीईआरटी में तो शायद नामों निशान है, तो एनसीईआरटी जो बनाता है उसके लिए तो खैर बल्ले बल्ले, उसमें तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं, लेकिन कोई भी प्राइवेट किताब का हम नाम नहीं ले रहे हैं उसको भी उठाइएगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये कहीं दूगो मिलेगा, तो फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 से ही काम चलाइए, 25 नंबर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।